उसने सवाल पूछने दीजिए, सवाल पूछने दीजिए मैडम, आप ऐसे जान नहीं सकते। हमें दिल्ली पुलिस पर विश्वास नहीं है। ये रेसलर्स अभी सेफ नहीं है तो साधारण लोग कैसे सेफ रहेंगे? क्रिकेट प्लेयर को अंगूठा में एक थोड़ा सा इंजरी हो गया, ट्वीट किया था हमारा मोदी जी, अभी मोदी कहाँ पे हो? आजादी चाह रहे हैं, वो क्या चाह रही है? न्याय चाह रही है, न्याय चाह रही है, तो आजादी आजादी अलग होता है। ये प्रोटेस्ट पूरे देश का है, यहाँ देश भर से लोग आके जुड़ रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, आज बेटी बचाई जा रही है, बेटी को फंसाया जा रहा है। हम केरला से आए हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं अभी। क्या मांग है आप लोग? आजादी। वो तो हमें पता है कि आप रेसलर के समर्थन में आए हैं, लेकिन क्या लग रहा है? लगातार सभा समर्थन में आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों के खिलाफ जो कल रात में हुआ है उसके लिए आप क्या बोलेंगे? ये जो गवर्नमेंट अभी आया है, अभी जो गवर्नमेंट पावर में है, बहुत एंटी वुमेन गवर्नमेंट है, और ये बहुत क्लियर है कि इतना सारा केसेस अभी जो हो चुका है इसी गवर्नमेंट के पीरियड में, इतना रेप केसेस, इतना एलिगेशन असॉल्ट, ये सब ऐसा हो रहा है कि वुमेन इस कंट्री में सेफ नहीं है, और हमें ये चाहते हैं कि वुमेन इतना ये कंट्री में सेफ रहे, और ये प्रॉब्लम्स जो ये रेस्टलेस फेस कर रहे हैं ये कोई साधारण ऑर्डिनरी पीपल नहीं है। हमारे देश का जो शान उठाया है, वो रोशन किया है, वो लोग हैं, और ये रेस्टलेस अभी सेफ नहीं है तो साधारण लोग कैसे सेफ रहेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पे राजनीति करने के लिए आए, इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई राजनीति का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इतना सारा रेसलर्स उसका करियर भी ऐसा रिस्क में डाल के अभी बैठा हुआ है, कोई ऐसा कोई नेगेटिव इमोशन और नेगेटिव इंटेंशन के बारे में नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे लोग अभी इतने पावरफुल एक्यूज को अभी एक्यूज किया है, और इसी शख्स को 12 दिन हो चुके हैं, 12 दिन हो चुके हैं लगातार, DU के छात्र आप लोग भी आ रहे हैं, तमाम विपक्षी दल आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कल रात में जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के साथ इनकी हाथापाई हुई, जिसमें कि 2 पहलवानों का सर भी फूट चुका है, इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या लग रहा है कि क्यों ऐसा गवर्नमेंट? ये स्टेट अभी जो दिखा रहा है वो स्टेट का पावर दिखा रहा है, पर इसी पावर साधारण लोगों को सुरक्षा देने के लिए नहीं यूज़ कर रहा है, पर ये जो पावर यूज़ कर रहा है ये लगातार यूज़ कर रहा है जो माइनॉरिटीज़ है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो या सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ हो, कोई भी हो, ये मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट का जो प्लान है या इंटेंशन है ये सब बहुत एक्सप्लॉइटेटिव इंटेंशन है। आप लोगों ने अभी नारा लगा रहा था मोदी साथ से आज़ादी चाहिए, ये सारी चीज़ों को आप लोग क्यों बोल रहे हैं कि मोदी साथ से आज़ादी चाहिए? ये जो अक्यूज़ है वो BJP का अभी MP है, और कई सारे लोगों को इनडायरेक्टली भी कंट्रोल कर रहा है, तो बहुत पावर के सोर्स से आ रहा है ये, और ये जो एलिगेशन लग रहा है कि प्रधानमंत्री इसमें कहीं ना कहीं, मैं ये आपको ये सवाल वहाँ पूछता हूँ, जब एक क्रिकेट प्लेयर को अंगूठा में एक थोड़ा सा इंजरी हो गया, ट्वीट किया था हमारा मोदी जी, अभी मोदी कहाँ पे हो? ये मोदी का एक भी ट्वीट नहीं क्यों नहीं डाला है यहाँ आके? ये रेसलर्स को जो इंडिया का मेडल देने के टाइम पे ये मोदी सरकार और मोदी होता है, अभी ये रेसलर्स एक प्रश्न में हो तो ये मोदी सर मोदी कहाँ पे है? सवाल पूछने दीजिए मैडम, आप ऐसे जान नहीं सकते। सवाल कीजिए, पहलवानों के लिए आए यहाँ पे? किसके लिए आए यहाँ पे?
पहलवानों के आंदोलन में आजादी नारे का क्या मतलब है? क्या आंदोलन कमजोर नहीं कर रहे हैं लोग? क्या आंदोलन कमजोर नहीं कर रहे? इधर देखिए, पुलिस कर रही है, देख सकते हैं ये आंदोलन कहीं और ही रुख ले रहा है। हम लोग यहाँ क्यों आए? अगर आप आराम से पूछेंगे तो जनता सवाल नहीं आ रही है। हम यहाँ क्यों आए ये बताइए। हम इसलिए आए हैं, हमारी बहन बैठी है, हम उसे हक के लिए आए। हम भी यही आए, हम भी इसलिए आए। अब ये बताइए, यहाँ पे कुछ लोग आके आजादी के नारे लगा रहे हैं, मोदी योगी को गाली दे रहे हैं, आरएसएस को गाली दे रहे हैं, इससे ये आंदोलन कमजोर होगा या मजबूत होगा? एक बात सर, यही तो बात है ना। आजादी के नारे का क्या? एक सेकंड मेरी बात सुनो। हम किससे गुहार लगाएंगे? सरकार से लगाएंगे। किसका नाम लेंगे? सरकार का नाम लेंगे। नरेंद्र मोदी जी का नाम लेंगे? नहीं लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम लेंगे? नहीं लेंगे। कैसे आजादी वो क्या चाह रही है? आजादी वो क्या चाह रही है? न्याय चाह रही है। न्याय चाह रही है तो आजादी आजादी में क्या अलग होता है? आजादी में अलग होता है? आजादी में अलग होता है? आप कब सवाल दे रहे हैं? आजादी बदतमीजी नहीं हुई है? पत्रकारों ने गलत जवाब पूछा, उसका जवाब दिया गया। क्या हुआ था? ऐसा है कि पत्रकार का पूछने का अधिकार नहीं है? क्या आप यहाँ किस लिए आए? क्या मतलब है? सब दिख रहा है आपको, किस लिए आए? हम कोई अपने आप भी एक लेडीज हैं, आप भी एक महिला हैं। एक महिला के साथ अत्याचार हुआ, वो देश के प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे? इस बेटी के लिए इंसाफ क्यों नहीं कर रहे? जिस बेटी ने हिंदुस्तान का नाम रोशन करा, वो आज बेटी इंसाफ मांग रही है, तो इनके पास जवाब नहीं है। ये पत्रकार गलत जवाब कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का अभी निर्णय है कि निचली अदालत जाना पड़ेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक जो FIR की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने FIR करी है, अब नीचे की जो कार्रवाई है वो दिल्ली पुलिस करेगी। हमें दिल्ली पुलिस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस किसके हाथों में खेलती है? दिल्ली पुलिस पर अभी उस पत्रकार ने कहा कि ब्राह्मणवाद को आप लोग बीच में ला रहे हैं, आजादी आजादी क्यों बोल रहे हैं? मैडम, आजादी नहीं मांगेंगे, किससे आजादी मांगेंगे? देश के प्रधानमंत्री जी। कौन आप लोगों को जकड़ा हुआ है? कोई नहीं जकड़ा हुआ, कोई आजादी बोल, आजादी वो बहन मांग रही है। हम किसके, क्या उसके साथ दुर्प्रयोग हुआ? उसके लिए कह रही है, ब्रजभूषण को बचाने के लिए पूरी भाजपा की सरकार लग गई है, उससे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा, बर्खास्त नहीं किया जा रहा। देश के प्रधानमंत्री कहते थे बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ, आज बेटी बचाई जा रही है, बेटी को फंसाया जा रहा है। जो चीज है उसकी बात, 1947 मिले तो क्या था? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था ना, तो फ्रीडम मतलब क्या? आजादी आजादी मतलब फ्रीडम, तो मतलब किसी को बोलने का नहीं। आप जाति को ब्राह्मण को बीच में ला रहे हैं क्या? उन्होंने कहा कि आप लोग जाति ब्राह्मण आजादी को बीच में ला रहे हैं। अरे तो आजादी है, जाति को नहीं है। ये प्रोटेस्ट पूरे देश का है, यहाँ देश भर से लोग आके जुड़ रहे हैं। इधर देखिए, ये देखिए, देखिए ये जो आंदोलन है किस तरीके का रूप ले रहा है। मैच मार के सर फोड़ा है गोदी मीडिया वाले ने, गोदी मीडिया वाले ने अपना मैच फोड़ा है। इधर से आजादी स्लोगन बोल दिया, उस टाइम इस आदमी आ गया से हमारे पास आजादी का नारा क्यों लगा रहे हो? क्यों लगा है? मोदी योगी का मोदी क्या कर दिया, योगी क्या कर दिया, पूरा क्वेश्चन सांस कर दिया। टाइम भी जैसे गो बैक, वापस चलो। ये देखिए, ये स्टूडेंट थे और ये लोग डीयू से आए हुए हैं, ये लोग बोला आजादी चाहिए, तो इनका सर फूट, आपको हम दिखाएंगे कि एक व्यक्ति का सर फूट चुका है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ? खून निकला है ना, इसने फोड़ा है। आप देख सकते हैं कि इनके सर में, भैया ऐसे मत करो, आपको आपका सर फूट जाता है। इसका इलाज करवा
इलाज करवाने का इसका।